नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टी20 मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 132 रनों का टारगेट श्रीलंका के सामने रखा, जिसको श्रीलंका ने दो बॉल शेष रहते हुए हासिल कर लिया। श्रीलंका ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हराया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम बहुत ही खराब शुरुआत हुई और सलामी बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो मात्र 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उन्होंने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बाउंड्री के लिए खेला, लेकिन बाउंड्री पर ही राहुल चहर ने शानदार कैच पकड़ लिया और उसको चलता किया। फर्नांडो ने भुवनेश्वर की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला। फर्नांडो यहां एक बड़ा शॉट लगाने की फिराक में थे, लेकिन गेंद ऊंचाई पर चली गई। यहां बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे चाहर ने अपनी सूझबूझ से पहले गेंद को बाउंड्री के अंदर फेंका और फिर खुद को मैदान के अंदर ले गए और शानदार कैच पकड़ा। यह कैच सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसने भी यह वीडियो देखा है उसने जमकर तारीफ की है। बता दें कि श्रीलंका ने दूसरा टी20 मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबर कर चुकी है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव होने पर दूसरे टी20 को तय समय पर न कराकर दूसरा दिन कराया गया। दोस्तों, तीसरा टी20 मैच आज गुरुवार को खेला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।